तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं ताकि आप इस डिप्रेशन से जल्दी बाहर आ सकें? मुझसे किसी ने आज ये क्वेश्चन पूछा, तो मैंने सोचा कि मैं अगेन एक वीडियो ही बना दूँ इस पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है जर्नलिंग। जो भी कुछ दिमाग में उस वक्त आ रहा है लिखना चालू कर दीजिए। दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। अगर हो सके तो कोई एक ऐसा दोस्त जो कि सिर्फ आपकी बात को सुने और ज़्यादा बोले नहीं, तो समवन हु इज़ अ गुड लिसनर, एक ऐसा दोस्त बनाइए। वो दोस्त आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो सकता है, एक जेन्युइन दोस्त जो सिर्फ आपकी बातें सुने। थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम करिए। क्योंकि जब ऑक्सीजन का संचार आपकी बॉडी में होता है तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो वैसे ही छूमंतर हो जाती हैं। प्लस ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए और उसको काम डाउन रखने के लिए। इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत अच्छा माध्यम है आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए। तो डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। फोर्थ चीज़ जो है जो कि आप कर सकते हैं डिप्रेशन से बचने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए, वो है नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जितनी भी नेगेटिविटी है अपने से दूर कर दीजिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस को दूर कर दीजिए जहाँ पे आप इन ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं और आपकी बाउंड्रीज को वो कंटिन्यूसली क्रॉस करते रहते हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आपको जब भी ऐसा लगता है कि किसी इंसान से मिलने के बाद आप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं या फिर आपके दिमाग में नेगेटिविटी आने लगती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। हो सकता है कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे हों और आपको कुछ भी करके उनके साथ में निभाना ही पड़ता है, तो ऐसे मौक़ों पे इट्स बेस्ट कि आप अपना मुंह बंद करके जितना ज़रूरी है सिर्फ वो ही करिए, उतनी ही बातें करिए और बाकी ट्राई टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब नेक्स्ट चीज़ जो आप डिप्रेशन से बचने के लिए कर सकते हैं वो है, आप ऐसा इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि आप एक बबल के अंदर हैं और उस बबल के अंदर आपको कोई भी हर्ट नहीं कर सकता, यू आर प्रोटेक्टेड। और उस बबल को आप क्रिएट करिए अपने दिमाग के अंदर या फिर आंखें बंद करके उसको इमेजिन करिए कि आप उस बबल में हैं एंड नथिंग कैन हर्ट यू ओवर देयर, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ। एंड कीप ऑन यू नो बोलते रहो अपने आप से, कंटिन्यूसली बोलते रहो कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ओके, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको अपने पास्ट में जीना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम कंटिन्यूसली वही चीज़ें अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं जो कि नेगेटिव्स हुई हैं हमारे साथ या कुछ चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते हैं और उनका बोझ जो है कंटिन्यूसली हमारे कंधों पर बना रहता है। तो अपने पास्ट में जीना छोड़िए और आगे की तरफ देखिए कि आगे क्या है। आगे ये देखिए कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। अपने आप को ये कन्विंस करते रहिए कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके नाउ ऑन। जो भी बुरा होना था वो अब हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ से ऊपर उठने के बजाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि राइट नाउ वी हैव हिट द रॉक बॉटम। और जब आप एक रॉक बॉटम हिट कर देते हो तो उसके बाद आप सिर्फ ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और इसके अलावा आप एक अच्छा काउंसलर ढूंढिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक समझने वाला, आपकी स्थिति को समझने वाला इंसान है जो कि आपको सही तरह से गाइड कर सकता है स्थिति में, उसको ढूंढिए। और कोई ऐसा साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर ढूंढिए जो कि रिनाउंड है या फिर उसने पहले उसके जो रिव्यूज़ हैं वो आपको अच्छे लगे हैं पढ़ के, और कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनके साथ में काउंसलिंग की हुई है, ऐसा कोई ढूंढिए। और प्लीज़ जाना चालू करिए उनके पास रेगुलरली विदाउट एनी फेल। दिस इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे ज़रूर पूछिए। और यहाँ पे अब अंधेरा होने लगा है तो मे बी मैं आपके और किसी क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पूछिएगा ज़रूर और कमेंट्स में बताइएगा कि ये वाले जो आपको सजेशंस हैं ये कैसे लगे। चलिए बाय। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर।